नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रेणु चतुर्वेदी, आज हम आपको बताएंगे मसों के बारे में। मसा तिल से अलग होते हैं। लाल तिल, काला तिल हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। लाल तिल मीन्स कि जो तिल रेड कलर के होते हैं, त्वचा से थोड़े से उभरे से हल्के हल्के त्वचा से मिले हल्के हल्के उभरे होते हैं, वो लाल तिल होते हैं। काला तिल वो होता है जो कि हमारे त्वचा पे डॉट की तरह बिंदी जैसा पाया जाता है, थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है। अब हम बात करते हैं मसों के बारे में। मसे त्वचा से उभरे हुए होते हैं, थोड़े मोटे या बहुत मोटे हो सकते हैं। ये त्वचा पे एक निशान जैसे मतलब अलग से ही दिखते हैं, इनके ऊपर बाल भी हो सकते हैं। तो मसों का क्या महत्व होता है? देखिए, मसा जो होता है त्वचा पे अगर बीमारी से, बीमारी मीन्स कि जन्म से नहीं था, शुरू में नहीं था बट बाद में आ गया है, तो अगर ये बीमारी से है तो इसको थोड़ा अवॉइड करिए। ये इसका कोई प्रभाव नहीं होता ज्योतिष में। ज्योतिष में प्रभाव होता है उन मसों का जो मसा न तो किसी बीमारी से होते हैं और न ही वो अचानक किसी कारण से उत्पन्न होते हैं, वो बाय बर्थ होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब या उसके पैदा होने के महीने डेढ़ महीने के भीतर होते हैं उन मसों का महत्व होता है। जो उभरे हुए मसे होते हैं वो सामान्यतः अगर चेहरे पर है, चेहरे पर से खास तौर से गाल वगैरह पर है, तो आपको थोड़ा रूड बनाते हैं। रूड मतलब आप थोड़े से व्यवहारिक समाज के प्रति उदासीन हो जाते हो या फिर आपको उनसे विरक्त कर देते हैं। अगर ये चेहरे पर खास तौर से गालों के पास या यहाँ कहीं पे हैं तो इस टाइप के व्यक्तियों को आप देखे होंगे, या तो गुस्सा बहुत आता है, गुस्सैल होते हैं, या समाज से थोड़े विरक्त होते हैं, बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते हैं समाज में, ऐसे लोगों में ये बात होती है। अच्छा, ये अगर ये मसे होठों के आसपास होते हैं तो आपको बहुत व्यवहारिक बना देते हैं। व्यवहारिक मीन्स ये नहीं कि आप बहुत मिलनसार हो जाते हैं, व्यवहारिक मीन्स ये कि आप दुनिया को व्यवहारिकता की दृष्टि से देखने लगते हो। आप फिर किसी से शिकायत नहीं करते, आप जानते हो कि इस टाइप के लोग इस तरह के होते हैं, दुनिया में हर तरह का व्यक्ति होता है। आप जिस क्राइटेरिया को लेकर चल रहे हो सिर्फ उसी क्राइटेरिया के व्यक्ति इस धरती पर नहीं रहते, मतलब बहुत व्यवहारिक हो जाते हो, आप समाज को समाज की तरह लेना सीख जाते हो। इसी तरह से अगर आपके मसा जो है आपके गले पर है या फिर आपके यहाँ कहीं उभर हो गया है, तो देखिए तो मसे के आकार पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन अगर ये बाय बर्थ है तो इसका मतलब ये है कि अगर गर्दन पे है तो गर्दन से आपके अगर यहाँ कहीं पे है आपके मसा, तो ये मसा जो होता है आपको थोड़ा सा इन चीज़ों बात के प्रति अपनी आदतों को बदलना, ये कथनी करनी में अंतर, सीधी बात है, अगर आप साफ शब्दों में जानना चाहते हैं तो कथनी और करनी में अंतर होता है। इस गले पर होने वाले मसे, गले पर जो बच मसे होते हैं वो लोग बातूनी यानी अपनी बातों को छुपा लेना, आपसे झूठ बोल जाना, आपको घुमाना, इस टाइप के बच्चों का स्वभाव होता है। बच्चों का क्या धीरे धीरे उम्र के साथ बदलते हैं, लेकिन हाँ ये स्वभाव होता है। इसी तरह से अगर मसा जो है आपके नाभि के आसपास में है तो वो लोग खाने पीने के मामले में बहुत चूजी होते हैं, अपने पसंद का ही खाना पसंद करते हैं और भोज्य पदार्थों के प्रति इनकी रुचि खास होती है और मीठा खाना ये लोग पसंद करते हैं जो जिनके नाभि के आसपास में मसे होते हैं। मसा अगर आपके उससे नीचे है तो ये अच्छा नहीं होता है, ये किसी बीमारी का संकेत दे रहा होता है कि आने वाले कल में भविष्य में कभी आपको इस टाइप की बीमारी हो सकती है जो उस पोर्शन से रिलेटेड हो जहाँ पे वो मसा है। तो इस तरह से हर मसा अपनी कुछ बातें कहता है, बाकी जो सभी मसे होते हैं वो उनका कोई खास प्रभाव नहीं होता है। मसा हमेशा ही कुछ कारणों से होता है ऐसा नहीं होता है, कभी कभी मसे कुछ मसल्स के या कुछ त्वचा के कोशिकाओं के इकट्ठे होने से भी हो जाते हैं। तो मसा सिर्फ ज्योतिष में इतना ही महत्व रखता है जो कुछ खास जगहों पर पाए जाते हैं और बाय बर्थ होते हैं, क्योंकि पानी से कमी से, बैक्टीरिया से और अन्य कारणों से भी मसे उभरते हैं। और किसी के तो बहुत ज़्यादा मसे होते हैं तो वो मसे का कोई मतलब नहीं होता। मसा अगर दोनों भावों के बीच में है, दोनों तिल ही नहीं मसा बता रहे हैं, तिल तो अलग चीज़ होती है, तिल तो त्वचा से लगी होती है, उसका हमने बता दिया पिछले वीडियो में, त्वचा दोनों भावों के बीच में है तो मसा अगर ऐसा है तो उस मसे का भी अपना महत्व होता है। उस ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर बहुत प्रैक्टिकली होते हैं, बिल्कुल भी सनकी नहीं होते, पजेसिव नहीं होते हैं और अपने सबसे इनकी ज़िंदगी में खुशियां बहुत होती हैं। और ऐसे लोग जब भी जिसका चयन करते हैं, चाहे वो करियर का चयन करें, जीवन साथी का चयन करें, संतान हो, सब इनको जो है और लोगों से श्रेष्ठ प्राप्त होती है। दोनों भावों के बीच में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, अगर स्त्री के हैं तो पुरुष उसको ऐसा मिलेगा, उसकी संतानें ऐसी होंगी, उसकी शादी बहुत अच्छी होगी, उसका करियर बहुत अच्छा होगा, और अगर स्त्री के हैं तो स्त्री के मामले में भी यही बातें होती हैं कि ये चीज़ें अच्छी होंगी। तो इस तरह से मसा जो है
आपको हमने पूरी बात बता दी कि मसा जो है वो क्या कह रहा है और किस तरह से आपको इनको लेना चाहिए। कि तिल की तरह जनरली लोग अपना ढूंढते रहते हैं कि जैसे तिल यहाँ पे है तो इसका ये मतलब होगा, तो मसा यहाँ पे है तो इसका क्या मतलब होगा। मसा हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ मामलों में मसे का महत्व होता है। तो इस तरह से मसा, तिल, लाल तिल अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अब हमने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया, अब हम कुछ शगुन अपशगुन भी बताएंगे, यानी फड़कना नहीं फड़कना, शरीर के कोई अंग फड़कना क्या होता है, अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।